लोग कह रहे थे कि विदेश से लोग आते हैं ओशिया में, तो ओशिया से क्या लेके जाएंगे? मैंने कहा सीडी लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे ओशिया से? क्या विदेशी आएंगे, क्या लेकर जाएंगे? विदेशी आएंगे और लेकर जाएंगे कि हाँ, ओशिया की उस सरजमीन पर, उन दोरों की धरती में, वहां उन गांवों में एक लड़की संघर्ष कर रही है, और वो लड़की अभिमन्यु की तरह बीच में अकेली खड़ी है और पारंगत योद्धा उसको घेर के खड़े हैं। लेकिन मैं उस जमाने की अभिमन्यु नहीं हूं, मैं आधुनिक युग की अभिमन्यु हूं, हर चक्रव्यूह भेदना जानती हूं। विदेशी आएंगे, यहां से संस्कृति लेकर जाएंगे, यहां से बेटियां भी लड़ सकती हैं राजनीतिक लड़ाइयां, इस बात को विदेश में लेकर जाएंगे, यहां से मूल्यों की राजनीति लेकर जाएंगे, किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने वाले कार्यकर्ताओं की आंख की चमक लेकर जाएंगे। ओशिया की सीढ़ी तो विश्व प्रसिद्ध है, एक बार ले जो 62 मिनट देख लो उसको आराम से बैठे, तो वो तो पूरे इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई, दुर्गंध ले जाओ, वहाँ कितनी गंदगी पड़ी है ओशिया के अंदर। विदेश से जो आएंगे तो क्या लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे? दिल्ली में एक दुकान खुली है ओशिया की सीढ़ी प्राप्त करें, तो बताओ तो कितनी पॉपुलर होगी ओशिया। ये तो कमाल कर दिया भाई, नाम हो गया वास्तव में, है ना, कितना बड़ा नाम किया आप लोगों का। वो जो संघर्ष था 70 साल का, कहाँ निकला संघर्ष, जाके देखो आप सारा। अरे हमारे जाट बिश्नोई समाज को तो लोगों ने कमरे देने बंद कर दिए छोरों को, कि तुम कौन से समाज के हो, कि नहीं तुम्हें कमरा नहीं देंगे, तुम जाओ। ये स्थिति भाइयों है, तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं हनुमान भी है जो उस कौम से आता है, उस समाजों के अंदर आता है, वो मजबूत है। ये बराबर मैं रेत डालता रहा हूँ उनकी गंदगी पर, रेत डालता हूँ, लड़ रहा हूँ प्रदेश और देश के अंदर। मेरे दादाजी, अरे कटे थारा दादाजी, बताओ सही तो नहीं देखे? ये तो मैं आ गया तो तुम्हें मुक्त करा दें दादाजी से, नहीं तो और 50 साल गुलामी करता है मारवाड़ के अंदर। बार बार मेरे दादाजी का नाम लेते हैं और कहते हैं मेरे दादाजी तो थे, उनका योगदान था, उनकी वजह से आज यहाँ खड़ी हूँ, उनके उसूलों पे चल के आप काम कर रही हूँ। आप अपने दादाजी का नाम क्यों नहीं लेते? मेरे दादाजी के आपसे क्या बैर थे? 2003 में तो वो सार्वजनिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया, आपकी उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे पिता की आपकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई मिलना नहीं हुआ आपसे। एक बेटी की असुरक्षा, एक स्त्री की चुनौती नाकाबिले बर्दाश्त है, तब मुझ पे प्रहार करते हैं, मेरे माध्यम से प्रहार करते हैं। सार्वजनिक जीवन की, भाषा की मर्यादा और मूल्यों की हर सीमा को लांघ गए।